नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। मैं आपको लेकर आया हूं आज उधमपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। पहले मैं आपको ये बता दूं कि बीती रात को चन्नी मोड़ के पास रेलवे ट्रैक बना हुआ, वहां पे एक व्यक्ति का शव मिलता है और ये व्यक्ति दयाबाग का रहने वाला था, जिसकी पहचान अशोक कुमार बताया जा रहा है और इसकी उम्र 50 और 55 के बीच बताई जा रही है। लेकिन ये नहीं कोई जानता कि आखिर ट्रेन की चपेट में आने से इनकी मौत हुई है या किस तरह से मौत हुई है इनकी, ये कोई नहीं जानता। लेकिन मैं अपने पीछे आपको दिखाना चाहूँगा, पहले कि मेरे पीछे आप देखिए कि यहाँ पर पुलिस मौके पर आई हुई है और छानबीन की जा रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं कि बीती रात का ये मामला है। चन्नी मोड़ के पास जो ट्रैक बना हुआ रेल का ट्रैक था, वो वहाँ पर इस व्यक्ति का शव मिलता है। 50 से 55 के बीच उम्र बताई जा रही है और ये दयाबाग का रहने वाला था, अशोक कुमार नाम बताया जा रहा है। लेकिन लोग काफ़ी जहाँ पर जमा हुए हैं, पुलिस भी वहाँ पर रात को मौके पर पहुँची थी, शव को कब्जे में लिया गया, यहाँ पर लाया गया था। लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि उस व्यक्ति को हुआ क्या था, लेकिन यहाँ पे पोस्टमार्टम होने के बाद ही ये पता चल पाएगा कि आखिर उन्हें हुआ क्या था। लेकिन वहाँ के जो लोग हैं, दयावा के जो लोग हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं, उनके रिश्तेदार यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन मैं फिर आपको बता दूँ कि ये मामला बीती रात का है। ये चन्नी मोड़ के पास जो रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक जो बना हुआ है, उस ट्रैक के पास ही उनका शव मिला था। लेकिन मैं फिर ये बता दूं आपको कि पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लिया गया और उसके बाद इसकी जहाँ छानबीन की जा रही है कि आखिर हुआ क्या था। लेकिन उनके घर वालों से मेरी बात हुई तो उनके घर वालों का कहना था कि सुबह के समय वो घर से निकले थे लेकिन फिर वापस नहीं लौटे। वो भी ये नहीं जानते हैं कि आखिर उनके साथ क्या हुआ। ट्रेन की अगर चपेट में आते तो ट्रेन निकलने के बाद उनका शव का पता चलता, लेकिन ट्रेन साथ में निकल रही थी तो शव उनका वहाँ पे पड़ा हुआ था, लेकिन ये नहीं पता चल पाया है। मैं फिर आपको बता दूं कि ये पता नहीं चल पाया कि आखिर उनके साथ हुआ क्या। अशोक कुमार दयाबाग का रहने वाला था और उम्र इनकी 50 से 55 साल बताई जा रही है। इनके परिवार के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, पुलिस मौके पर आई हुई है और यहाँ से और इनसे पूछताछ भी की जा रही है। मैं फिर आपको ये बता दूं कि ये बीती रात का ये मामला है, बीती रात का ये मामला बताया जा रहा है। ये बल्ले ने इशारा कराया कर रहे हैं, तो मैं आपको फिर बता दूं कि ये काफ़ी संख्या में ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं, सारे के सारे उनके रिश्तेदार, कुछ उनके पड़ोस पड़ोस के लोग हैं ये, कुछ उसके उनके आस पास। और पुलिस द्वारा भी लिखित पढ़त की जा रही है कि पूछताछ इनसे भी की जा रही है कि आखिर वो कहाँ थे और किस समय घर से निकले। लेकिन मेरी परिवार वालों से जब बात हुई थी तो उनका यही कहना था कि वो सुबह घर से निकले थे और सुबह वो घर से निकले थे लेकिन फिर उसके बाद वो वापस नहीं लौटे। लेकिन मैं फिर ये बता दूं आपको कि उम्र उनकी 50 से 55 साल उम्र बताई जा रही है। रेलवे ट्रैक पर पहले भी कई हादसे होते हैं लेकिन वो रेल की चपेट में आने से कुछ लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन ये मामला कुछ अलग सा लग रहा है कि ये नहीं जानते लोग कि हुआ क्या था उनके साथ। ट्रेन साथ निकल रही है लेकिन उनका शव एक ट्रेन के ट्रैक के साथ ही पड़ा हुआ था। लेकिन परिवार वालों का ये कहना था कि सुबह वो घर से निकले थे और फिर उसके बाद वापस नहीं लौटे। लेकिन मैं फिर आपको ये बता दूं कि पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची थी और उस शव को अपने कब्ज़े में लिया गया था और उसके बाद जांच की जाएगी, पोस्टमार्टम के बाद फिर जांच होगी कि आखिर क्या हुआ उनके साथ। लेकिन मैं फिर आपको ये बता दूं कि ये बीती रात का ये मामला है। अशोक कुमार नाम उनका बताया जा रहा है और वो ये दयाबाग के ये रहने वाले थे। उम्र इनकी 50 से 55 साल इनकी उम्र बताई जा रही है। पहचान सुबह इनकी पहचान हुई है, रात को शव तो पुलिस अपने साथ लेकर आई थी लेकिन पहचान इनकी सुबह हुई और इनके परिवार के लोग पहुंचे और लोगों उनके द्वारा बताया गया कि ये इनके परिवार के सदस्य थे। अशोक कुमार इनका नाम बताया जा रहा है, दयाबाग के ये रहने वाले थे और चन्नी मोड़ जो रेलवे ट्रैक बना हुआ है वहाँ पर इनका शव मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर यहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पर लाया गया है।
परिवार के लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं और पोस्टमार्टम करने के बाद ये शव इनके परिवार वालों को सौंपा जाएगा। कैमरामैन अजय के साथ रवि सिंह, वीरा चैनल उधमपुर।